हर हर महादेव। आपके लिए इस चैनल पर मैं अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन लेकर आती हूँ, अध्यात्म और तंत्र से जुड़ी हुई। आपने मेरे भजन भी सुने हैं और उन्हें लाइक भी दिया है, अपना स्नेह दिया है। सभी सॉन्ग्स को आध्यात्मिक हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिलती है, आप उसे शेयर कर सकते हैं औरों के साथ में, यदि आपको लगता है कि वो यूजफुल है, औरों के काम आएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, और आप फेसबुक पर और इंस्टा पर भी इसी नाम से मेरा वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, और आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो imshivanidurga@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर 9076284121 पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। पर बेहतर होगा कि आप ईमेल करें, क्योंकि जब आप कॉल करते हैं तो भी मैं आपसे यही बात कहती हूँ कि आप ईमेल करें। तो आज का जो वीडियो है, आशा करती हूँ ये भी आपको पसंद आएगा और आप इसे देख करके लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। हर हर महादेव। जय भवानी, जय खंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र। मैं बना रही हूँ चने की दाल। इस चने की दाल को मैंने रात भर भिगोया है और अब इसको पानी से अलग करके पिछले एक घंटे से रखा हुआ है। इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर का तड़का दूंगी। लहसुन का प्रयोग मैं खाली पेट करती हूँ। बीपी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको बहुत हेल्प करता है। मैं दो फांक लहसुन की सुबह हनी के साथ कूट के खाती हूँ खाली पेट। और अभी जो है कुकर चढ़ा दिया है मैंने, इसमें मैं सरसों के तेल का तड़का दूंगी। एक मैं ये 3 चम्मच डालूंगी इसमें, क्योंकि छोटे चम्मच हैं। ये कच्ची खानी सरसों का तेल है, तो ये मैंने 3 छोटी एकदम इसमें डाल दिया है तेल। अब ये गर्म हो रहा है, फिर इसमें राई और जीरा। आप राई स्किप कर सकते हैं चाहे तो, अगर आपको राई नहीं चाहिए आप स्किप कर सकते हैं। मैं इसमें राई और जीरा डालूंगी। ये तेल गरम हो गया है अच्छे से, तो मैं इसमें, आई डोंट हैव एनी फैंसी यू नो स्टफ हियर, मेरा बहुत फैंसी किचन नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल, बट आई लव दिस किचन। ओके, तो मैं इसमें जीरा डालूंगी। सुन सकते हैं मुझे आवाज बचपन से बहुत पसंद है, ऐसे लगता है जैसे बारिश हो रही है। थोड़ा मैंने इसमें राई डाला है। अब मैं इसमें कुटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। मैंने 2 प्याज लिए हैं इधर, और 2 प्याज इसमें डाल रहे हैं कटे हुए। तीन मिर्च, 2 प्याज, और 1 टमाटर लिया है। 6-7 में इसमें लहसुन की फांक लूंगी। आप ज्यादा भी ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं, और चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। आप प्याज भी स्किप कर सकते हैं इसमें। मीडियम गैस फ्लेम पर थोड़ा पकाएंगे। लहसुन को मैंने अच्छे से कूट लिया है। जिसमें आप अदरक कूटते हैं कभी भी उसमें लहसुन ना कूटें, क्योंकि उसमें अदरक में हमेशा लहसुन की स्मेल आ जाती है। तो मैंने इसको कटोरी में कूट लिया है और इसे मैं अब इसमें डाल दिया है। सब अब ब्राउन उस पर हो गए हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी।
आप जब भी अपने रसोई में भोजन पकाते हैं तो थॉट्स अच्छे रखें, क्योंकि जब थॉट्स आपके अच्छे होते हैं तो खाने में स्वाद आता है, हेल्दी होता है खाना, आपको सपने भी अच्छे आते हैं। अब मैं इसे अच्छे से पकाऊंगा। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। सबसे पहले नमक डालूंगी, थोड़ा और डालूंगी, ये वाला 1/4 चम्मच नमक है, और ये घर की पिसी हुई मिर्ची है जो बहुत तीखी है, तो मैं क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है तो सिर्फ इतना सा ही इसको डाल रही हूँ, मतलब बुरकना कह सकते हैं आप इसे। ये आबा हल्दी है तो ये डाल रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, इसमें कीड़ा नहीं लगता कभी भी। अब मैं इसको हिलाऊंगी अच्छे से, मैंने इसमें 1 इंच के करीब अदरक जो है उसे कद्दूकस किया है इसके अंदर, और अब मैं इसमें दाल डालूंगी। ये चने की दाल है जो मैंने बताया था, आप इसमें इसके साथ आलू भी डाल सकते हैं फॉर टेस्ट, या कोई और सब्जी डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं फॉर टेस्ट। मैं सिर्फ इसे ही पका रही हूँ। मैं इसमें 3 से 4 गिलास पानी डालूंगी और फिर इसमें 2 सीटी लगाऊंगी ताकि ये पक जाए अच्छे से। तो ये 3 गिलास पानी है, तो मैं क्योंकि 3 गिलास मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा, 4 गिलास ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 3.5 गिलास इसमें पानी डाला है। अब मैं इसे सीटी के लिए इसे ढकूंगी, अब का लेड लगाऊंगी और 2 सीटी लूंगी, सीटी आने तक वेट करूंगी, जब इसमें 2 सीटी आ जाएंगी तो इसे बंद कर दूंगी। लेट्स चेक। ओके, तो दिखने में तो यम्मी लग रही है, सी इसको बस घोटना है मुझे। अब ये दाल जो है इस तरह तैयार हुई है, मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। आप चाहे तो गरम मसाला भी ऊपर से डाल सकते हैं, और ये हमारी चना दाल तैयार है। इसे चावल के साथ और रोटी के साथ, दोनों के साथ खाया जा सकता है, देसी चना दाल। एंजॉय दिस देसी चना दाल तड़का।